ये बताया गया है कि बादाम को भिगोकर खाना चाहिए, लेकिन क्या फ्रेंड्स आपने कभी सोचा कि बादाम को भिगोकर ही क्यों खाना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते और बहुत से लोग बादाम को भिगोकर ही नहीं खाते। उन्हें लगता है कि दोनों एक ही बात है, चाहे भिगोकर खाओ या बिना भिगोए खाओ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको भिगोकर खाने से क्या फायदा होता है, साथ ही साथ मैं आपको ऐसी पांच चीजें और बताऊंगा जिनको भिगोकर उन्हें अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो आप ढेरों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, जैसे कि वजन को बहुत तेजी से कम कर सकते हैं। अब अगर आप बहुत मोटे हो चुके हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और इसके लिए मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए एक रामबाण साबित होंगी। तो प्लीज आज के सेल्फ एपिसोड को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि चीजों को भिगोकर क्यों खाया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को मिथ समझते हैं और बादाम और दूसरी चीजों को भिगोकर नहीं खाते। दरअसल दोस्तों जिन भी चीजों को हम पानी में भिगोकर रखते हैं तो भिगोकर रखने से वो चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे कि बादाम, बादाम एक बीज है। अब बीज को जब आप भिगोकर रखते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है। जब हम एक बीज को मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिनों बाद उससे पौधा निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी में रखा हुआ वो बीज एक्टिवेट हो जाता है, और जब कोई भी बीज एक्टिवेट हो जाता है तो बॉडी के लिए 10 गुना ज्यादा फायदा करता है। इसी तरह से दोस्तों आपने देखा होगा कि स्प्राउट्स जब आप खाते हैं तो उन्हें भी आप कुछ दिन पहले पानी में भिगोकर फिर गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। अब लपेटने से क्या होता है, वो जो बीज है, जो दालें हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। वो एक्टिवेट होने से आपके लिए 10 गुना ज्यादा फायदा करती हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए, क्योंकि वो एक्टिवेटेड होते हैं। इसी तरह से दोस्तों जब आप बादाम को पानी में भिगोते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी को फायदा करता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक बादाम ही ऐसी चीज नहीं है जिसे पानी में भिगोकर खाना चाहिए। आज मैं आपको पांच ऐसी बढ़िया चीजें बताऊंगा जिनको पानी में रात को भिगोकर रखने से और सुबह उनको खा लेने से आपको ढेरों फायदे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो पहली चीज कौन सी है दोस्तों? पहले नंबर पर है चिया के बीज। चिया के बीज एक ऐसे बीज हैं जिनको पानी में भिगोकर रात को रखकर अगर आप सुबह खाली पेट उनको खाते हैं तो आपका वजन बहुत तेजी से कम होता है। अगर आप मोटे हो चुके हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, तो चिया सीड से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। चिया के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, ये बहुत तेजी से हमारे वजन को कम करते हैं। आपको रात को एक चम्मच चिया के बीज एक गिलास पानी में भिगोकर रखने हैं और सुबह खाली पेट उन बीजों का सेवन करना है। इस तरह से दोस्तों अगर आप चिया के बीजों का सेवन करते हैं तो आप एक महीने के अंदर 15 किलो तक वजन कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के। आज ही चिया बीज लेकर आएं और इससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा। कई ऐसी कंपनीज हैं जो ब्रेड के ऊपर आपको चिया के बीज लगाकर देती हैं और वो ये कहती हैं कि ये ब्रेड आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर है अलसी के बीज। अलसी के बीजों का सेवन आज के समय में बहुत कम लोग करते हैं। दोस्तों अगर आपको अलसी के बीजों का पूरा फायदा लेना ही है तो अलसी के बीजों का एक चम्मच रात को पानी में भिगोकर रखें और सुबह उस अलसी के बीजों को चबा चबा कर खाएं और उस पानी